अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, अगर आपको अंडे की भुर्जी बनानी है, ये बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी बनती है और मतलब जल्दी से जल्दी बन भी जाती है। ऐसे कोई भी बना लेगा, अगर किसको कुकिंग नहीं आती है तो भी बना लेगा। इसको पराठे के साथ या पाव के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है ये। हम इस पे तेल गरम करेंगे। ये चार बड़े साइज के कांदे मैंने काटे हैं बारीक। इसको हम तेल में तेल गरम होने डाल देंगे। फिर हम इसको गोल्डन होने तक भूनना है, एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे एक कांदा है, कांदा सॉफ्ट हो जाए उतना ही इसको हमें भूनना है। देखिए इतना गोल्डन होने तक इसको करना है, इससे ज्यादा इसको नहीं करना है। फिर इसमें हमें चार मीडियम साइज टमाटर ली थी और 10 से 12 मिर्ची ली। हमारे घर में तीखा चलता है इसलिए हम थोड़ा तीखा खाते हैं। आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं मिर्ची। इसको भी डाल के हमें सॉफ्ट होने तक इसको भूनना है। इसमें हमें एक छोटी चम्मच हल्दी डालनी है। एक चम्मच नमक डालना है इसमें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं नमक। इसको भूनेंगे। थोड़ी सी हल्दी जब भून जाए अच्छे से, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए, इसमें हमें अंडा डालना। ये 5 अंडे मैंने लिए हैं। इसे हमें थोड़ा हल्का सा ऐसे कर रख करके इसको दस सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए ढक के छोड़ देंगे। देर बाद हमें इसे चलाना है, क्योंकि अगर तुरंत चलाएंगे एकदम अंडे की जो भुज्जी एकदम बारीक बारीक हो जाती है, कीमा जैसे बन जाती है, तो हमें एकदम से चलाना नहीं है। नॉर्मली ऐसे चला के फिर ढक देना है। बीच बीच में हमें इसे खोल के चलाना रहेगा, भूनना रहेगा। इसको हटा के इसमें हम कोतमीर डाल देंगे। तभी हम अच्छे से इसमें मिक्स करके फिर 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे ढक के अंडों को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि इसमें से स्मेल आने लगती है ना अंडे की, तो बहुत से लोग को पसंद नहीं आता, तो हमें तो थोड़ा भूनना पड़ेगा। 2 मिनट तक का भून लेंगे। अंडे की भुजी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसको हमें बीच बीच में चला चला के भूनना रहता है, थोड़ा अच्छे से भून लेंगे तो इसकी स्मेल चली जाती है। अब ये बन के रेडी हो गई है। इसे आप पाव के साथ या पराठे के साथ खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है।